ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई के एक बेस्ट की बस में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि ड्राइवर के केबिन में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। बेस्ट की बस में आग की खबर मिलते ही अफरा तफरी मच गई। वर्ली डिपो से बस रूट नंबर 27 से मुलुंड आ रही थी, मगर तभी माटुंगा महेश्वरी उद्यान के पास 4:30 बजे ड्राइवर के केबिन में इलेक्ट्रिक बोर्ड में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। हालांकि इसकी जानकारी पुलिस और अग्निशामन दल को दी गई। देखते ही देखते बस में आग ने विकराल रूप ले लिया। बताया जा रहा है कि वक्त रहते सभी यात्रियों को उतार लिया गया था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बेस्ट की बस में जो वर्ली से मुलुंड आ रही थी, मगर माटुंगा के पास इस बस में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। हालांकि घायल होने की किसी की भी खबर नहीं है, मगर बीच रोड पर यह बस पूरी तरह से जल गई। दमकल कर्मियों ने काफ़ी देर तक आग बुझाने की कोशिश करते रहे और बस जलता रहा। हालांकि काफ़ी देर बाद दमकल विभाग ने इस भयंकर बस की आग पर काबू पा लिया और किसी के भी इस आग में घायल होने की खबर नहीं है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।